बोलू सजा तू हमके ओ हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो आपको कुछ इस प्रकार से HDR CC इफेक्ट मोशन निंजा एप्लीकेशन से इजीली आपको करना बताएंगे। बस आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप लोग जो वन क्लिक में इस प्रकार से HDR इफेक्ट लगाना सीख जाएंगे। तो बिना देरी की हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो गाइस, इसके लिए सिंपल सा आपको मोशन निंजा ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको जो है यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। देन यहाँ पर ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पर आपको एक जगह न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ से आप जो भी रेशियो में उस HDR इफेक्ट को लगाना चाहते हैं, वीडियो को एडिट करना चाहते हो, उस रेशियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी रेशियो में करना चाहते हैं तो यहाँ से 9 रेशियो सेलो को सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से उसके बाद इंटरफेस दिखाएगा। एंड नीचे प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। एंड यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको अपने वीडियो को ऊपर में आपको एक वीडियोस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो, ताकि जितना भी आपके गैलरी में वीडियोस हैं यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद जो भी वीडियो को आप करना चाहते हो HDR में, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट कर लेने के बाद। एंड इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड आपको हल्का सा वेट कर लेना है। देखो गाइस, यहाँ पर वेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस वीडियो को ऐड कर लेगा, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको नीचे एक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना। एंड उसके बाद यहाँ पर ऊपर में आपको स्क्रॉल करना है यहाँ पे, ठीक है। इधर आपको स्क्रॉल करना है, इधर आपको एक डायनेमिक का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद नीचे आपको बहुत सारे जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ से एक HEDE करके नामक आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐड कर वन क्लिक में देख सकते हो, जहाँ पर ये इफेक्ट है यहाँ पे HDR जो अप्लाई हो चुका है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे कि पूरे वीडियो में हम आपको इसको अप्लाई करके आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जिधर भी आपको करना है उधर आपको यहाँ से खींचना है, ठीक है। तो इधर हमारे जो है यहाँ पे एंडिंग तक कर देते हैं। देन देखो यहाँ पे कुछ हुआ, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको नीचे एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे नीचे आपको एक दिखेगा ओपेसिटी का ऑप्शन, इसको पूरा 100 कर देना है आपको, ठीक है। 100 सॉरी, आपको 50 के आसपास मतलब रखना है, 100 नहीं करना है आपको। अपने वीडियो के हिसाब से कर लीजिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको इतना रखते हैं, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद इस साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे अपने वीडियो पे आपको एक बार क्लिक करना है। एंड एडिट पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से इधर आपको स्क्रॉल करना है, एक एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ से क्लिक कर लेने के बाद इधर जो आपको यहाँ पे एक ह्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप चाहेंगे तो जो भी कलर का आप HDR करना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे वो कलर हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से सिंपल से हल्का सा रेड में रखते हैं, ठीक है। हम इतना में रख लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा रेड वाला HDR यहाँ पे हमारा जो आ चुका है, ठीक है। एंड हल्का सा हम क्लैरिटी को आपको बढ़ा देना है अपने वीडियो में, यहाँ पे क्लैरिटी को हल्का सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। इतना के आसपास लगभग 50 के आसपास अपने वीडियो के हिसाब से कर लीजिएगा। देन देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में कितना फर्क है, ठीक है। इन साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारा वीडियो यहाँ पे HDR होके रेडी हो चुका है, ठीक है। देन देख सकते हो ये जो हमारा वीडियो बन गया है, इसको जो डाउनलोड करने के लिए ऊपर में आपको एक एक्सपोर्ट का बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से जो आप फुल HD में नहीं कर सकते डाउनलोड, ठीक है, आपके मोबाइल में जो नहीं चल पाएगा एंड्रॉयड मोबाइल है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1080p में डाउनलोड करना है, इसे एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ से अपने वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है।